जस्ट शट डाउन किया है फिलहाल, बज रहे 6:05 एंड स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के भाई एडिट कर रहा था। मैं तो भूल गया था इतने दिन से कि क्या लिखी थी, क्या सोचा था मैंने। ओ भाई बहुत दिन से, मतलब 30-40% मैंने वीडियो एडिट कर लिया। एक चीज़ देखो, ये देखो ये ऐसे लगा दिया, यहाँ से कोई भी आएगा एक बार जान नजर गई तो एक बार को देख के भाई सब ऐसा हो जाएगा, ओ फक ये क्या है। Hey guys, good morning everyone. Welcome back to my channel everyone. I hope you guys absolutely badhiya bhai. Subah subah, very good morning everyone. I know, iske baad main sone ja raha hu. But kya kar, neend leni thodi din leni to zaruri hai. Jaldi se brush karta hu aur so jata hu. Ek din ki chutti ho gayi yaar beech mein. Koi baat nahi. Ab nahi hoga. 4 mahine mein ek din ki chutti jo chalti hai na. Khana upar hi khaya tha na. Ye plate niche nahi leke gaya na. तो मम्मी और मानी दोनों ही सुनाने लग जाएगी। पहले तो ओनली मम्मी सुनाती थी, अब मानी भी सुनाती है। गेट खोल दो बेटा तेरे लिए। क्या हो गया, ये क्या हरकत है? हे बेब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो भाई कितनी जल्दी उठ गया बड़ा भाई। सुबह भाई सुबह सुबह सोया हूँ यार, 6:30 6:30 नीचे आया, मतलब 7 तक ही सोया हूँ मैं। उसके हिसाब से तो सही उठ गया। आज क्या बनाया? अभी तो बताया सांभर इडली बना। वो तो तू खाती ही नहीं। क्या कह रही है, आज से स्टार्ट है? वो मत बना मम्मी, आपके बनाई पे शक कर रही है। मैं कह रहा हूँ आपकी बनाई पे शक कर रही है शायद। क्या बनाई थी? इडली सांभर खाती नहीं ना, इसे खिलाऊ आज इडली सांभर। अच्छी चीज होती है ना, अभी तेरे को बेटा वो इडली खिलाऊंगा तब पता चलेगा अच्छी चीज ना। कितनी अच्छी चीज है। बाप किधर है? बिकॉज़ हैं बालू, आई एम बालू बे। ये देखो मां, हा 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 भाई, किस किस को पसंद आई है बताओ मेरे को। साउथ इंडियन पुरकुरे से भी खा रही है ये। रोस्टेड वो है बादाम, क्या है? अच्छा ये रोस्टेड बादाम है? नहीं ये देखो गाइस, रोस्टेड बादाम। ये कौन से बादाम है? मैं तो पहली बार देखे। बेकार है। नया जा। दो मेरे को, दो मैं डालता हूँ। क्या मुंह मत बनाओ यार, फर्स्ट टाइम ये चीज तो खानी चाहिए ना। कम से कम जो वीडियो में बंदे देखते हैं घर वाले, उसे उन सबको पता भी तो चले कि हाँ भाई मानी खाती है। ये ना जल्दी मुंह बना के नहीं खाते भाई, हर चीज को खुश होके खाते हैं। हाउ इज इट? ओके ये लो। कहाँ रखा है ये? यहीं रख रही हूँ अभी मैं, किसी एयरटेल। मैं पीछे पीछे चल लूँगा ना तुम्हारे, आई एम योर कैमरामैन बेब। भाई ये जो टूल बॉक्स मंगा रखा था, टूल किट, ये वापस जा रही है। हाय ब्लैकी भाई, अमेजोन का स्कैम, मतलब सही में इतनी बढ़िया दिख रही थी उसमें, इतनी बढ़िया क्वालिटी, ये सारी चीज़ नीचे के रिव्यू एक एक नंबर थे, लेकिन भाई वहाँ से वापस आए, मतलब जब यहाँ आई, जब मैंने रियलिटी में देखी तो डामाडोर कुछ भी नहीं। स्टेला ब्रूनो का हाल देखते हैं। चल बाहर लेके, चल बाहर बाहर ले जा। चला कम यहाँ, क्या मस्त लग रही है बटी ये देख। चुआ व्हाट्स अप ब्रूनो भाई, वैसे हमारे कुत्ते स्मार्ट तो है भाई साहब, अभी तो दिन भी नहीं आए हैं।
उस लेवल की गर्मी वाले, लेकिन फिर भी अगर दोपहर में आप गाड़ी लेके निकल रहे हो तो ये हाल होगा। अमेजोन से तो मिला नहीं, वो एलन की वगैरह जो होती है ना, एलन की बोलते हैं थिंग्स, जिससे मतलब टायर खोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बाहर निकला हूँ, मैं सोचा हूँ मैंने कहा ले आता हूँ उसको, और अगर टोइंग रो, क्योंकि अमेजोन पे मेरे को विश्वास नहीं रहा ऐसी चीज़ पे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो अमेजोन पे बढ़िया मिलती है। कल और परसों दो दिन से ना, मतलब परसों तो मैंने व्लॉग किया ही नहीं था ज़्यादा, थोड़ा बहुत व्लॉग किया था कल के व्लॉग में, उसको कंटिन्यूटी मर्ज करके मैंने डाल दिया था, बिकॉज वो वीडियो में मेरे को अभी भी ना करते हुए भी 4 दिन तो मुझे एडिटिंग में लगेंगे, और मैं टोटली 4 दिन नहीं दे पा रहा उसमें, क्योंकि अगर मैं टोटली 4 दिन दूंगा तो ना मैं व्लॉग कर पाऊंगा, ना मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिट करूंगा। तो इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसको धीरे धीरे एडिट कर लूँ एंड अपलोड कर दूँ। पहला पार्ट तो पूरा कंप्लीट है, पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे पार्ट में मेरे को एक सीन है जो मैंने बताया था भाई, एक सीन लेना है, वो सीन लेने के लिए मेरे को एक तो ताने से बात करनी पड़ेगी, मैं पूछता हूँ उससे कि कब फ्री है और कब मैं शूट कर पाऊँगा। निखिल से भी पूछता हूँ कि भाई कब वो फ्री है, कब वो शूट कर पाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा टास्क है, बट उस टास्क से पहले ना मैं एक बार ट्रिप मार रहा हूँ, ट्रिप मारने के बाद आने के बाद करूँगा शूट। तो बोल गया भाई, मैं अपना ना सही बताऊँ, मैं अपने थोड़े दिन के लिए अपने पैशन को फॉलो कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ना दो पैशन थे स्टार्टिंग से ना। एक पैशन था मेरे को गाने में आने का, कि मैं किसी के गाने में आऊँ एज एक्टर, बट अब भगवान की दुआ से इतना है कि मैं अपना गाना निकाल सकता हूँ, तो भाई अपने ही गाना बनाएंगे। दूसरा मेरा पैशन था कि भाई मेरे को ट्रैवलिंग करनी थी। इस चक्कर में ना, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि उस चैनल पे ना, मतलब अभी मैंने खुद से ही सोचा हुआ है कि थोड़ा टाइम के लिए मैं उस पर ब्रेक ले रहा हूँ, इसी चक्कर में उस पर वीडियो नहीं आ रही। वीडियो आएगी, इसलिए मैं टोटली नहीं बैठ पा रहा, मतलब मैं बैठा था जैसे 2 दिन बैठा, मैं 1 दिन व्लॉग नहीं कर पाया, सेम यही सीन हुआ। अगले दिन मैंने व्लॉग किया तो मैं एडिटिंग पे नहीं बैठ पाया। तो यही वाली चीज मेरे दिमाग में चल रही है कि क्यों ना एक चीज को आप पैशनली करो उसको, तो प्रॉब्लम है जो आ जाती है हर बार पैसा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं ज्यादा पैसे वैसे को ना देखूं, एक बार देख लेते हैं जितना चल पाएगा उतना चलाएंगे, उस नहीं चलेगा तो भाई फिर तो है ही, काम तो करना ही है, काम किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। तो यही है मतलब बात ना, तो इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ पहले मैं एक बार ट्रिप पे हो जाता हूँ, उसके बाद आने के बाद मैं सारी चीज़ें वीडियो एडिट करके देनी है वो मैं दे दूंगा। बट ट्राई मैं अभी भी कर रहा हूँ कि ब्रांड आ जाए ना, ब्रांड अगर मेरे को बोलेंगे कल देनी है वीडियो, मैं कल दे दूँगा वीडियो, इतनी जल्दी लगा लूँगा। भाई देखो ये वाला तो यहाँ भी है, ये वाला मेरे पास भी है, पर ये नहीं चाहिए मेरे को, अपन को चाहिए दूसरे वाला, वो जो अलग सा आता है ना, वो स्टेनलेस स्टील का होता है ना, हाँ तो वो वाला ही चाहिए मुझे। तो इसका नंबर भी नहीं पता था गाड़ी के टायर का, कि नंबर क्या है, कह रहे 1921 आता है। मैं कह दिखा दो भाई, घूम फिर के लेके आया हूँ हार्डवेयर की शॉप पे, 3 हार्डवेयर की शॉप ढूंढ ली है, उसमें से एक हार्डवेयर की शॉप पे मिला है, ऐसा कुछ होता है ना। इस पर भी लग जाता है क्या, अच्छा ज्यादा टाइट के लिए नहीं है, हाँ तो फिर मेरे को दूसरा दिखा दो। मैं कह रहा कौन आया, इसकी क्वालिटी एक नंबर। हाँ भाई भी नहीं है, अब सामान में दूसरे वाला आता है, बैठ जा। यार मैं जितनी बार भी एमजी रोड से निकलता हूँ ना, गुड़गांव एमजी रोड से, मुझे अपनी कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है। ये जो एमजी मॉल है अपना, इसमें इतनी पिक्चरें देखी हैं, मतलब कॉलेज और स्कूल, स्कूल का ट्वेल्थ के बंक मार मार के जो मैंने पिक्चरें देखी है, और कॉलेज में जो बंक मार के पिक्चर देखी है भाई एमजी रोड पे देखी है। एमजी रोड पे मतलब फिलहाल बज रहे भाई, ओ शिट, 9:30 बज गए, मतलब ये उससे ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है, मतलब हाथ में जैसे रखा है ना, तो इसका वेट इतना ज़्यादा हैवी है कि पता चल रहा है कि हाँ ये सही है। फिलहाल मैंने ये ले लिया है, हाँ मेरे को टोइंग रो नहीं मिली है, वो कल एक बार मेरे पास टाइम है, क्योंकि परसों निकलना है ना, तो कल एक बार टाइम है, कल एक बार देखूंगा अगर मिल गई तो, क्योंकि यहाँ मैंने हार्डवेयर वाले के भाई के पास पूछा था, उनके पास थी नहीं। अगर आप में से कोई बता सकता है कि गुड़गांव में कहाँ पे मिलेगी टोइंग रो, तो भाई मेरे को प्लीज़ कमेंट में या फिर डीएम में मेरे को बता देना प्लीज़। मानी जा रही है तो इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना, मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्नोफॉल लिखी हुई है भैया, स्नोफॉल। थैंक यू भाई, थैंक यू। रोहतक से हो? अरे भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसे कान दबाएगा को, भाई साहब कहाँ बैठा है? हाँ गाड़ी में, देखो गाड़ी में बैठा है भाई। ये देखो ये वो इंसान है भाई, मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि पैसा हो तो भाई जैसा, पैसा हो तो अज्जू जैसा हो,
कह रहा आज मेरे पास कंटेंट नहीं था तो आज अरे नहीं क्रोमा में घूम रहा हूँ मैं क्रोमा में क्या कर रहा है तो हाँ क्या लेके आया स्पीकर ले आया क्या जरूरत क्या थे इतना बड़ा होम थिएटर है उसका क्या करोगे मेरे हर रूम में लग रही पर वो पसंद आ गया तो फिर मैंने मन किया झुंडे में अच्छी बात पर होम थिएटर का क्या काम है तेरा एक तो बता मतलब वो तो घर पे किस दिन टिकता है तू कितने दिन टिक रहा है तू घर पे अरे राजस्थान न मानो ओ भाभी का नाम लेकर नाम खराब कर दिया भयंकर मन इसका खुद का कर रहा होगा लेकिन भाई साहब भाभी के नाम पे बिल पाड़ दिया ना, ना, इतने सारे स्पीकर रखते रखे तो देख 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 दे बोल गया ना अभी सेकंड में बोल गया इतने सारे स्पीकर रखे तू क्या कर रहा अरे मगर अच्छा अब यार जो पसंद आ गया वो आवाज कह रहा वो पुराने हो गए ना इसी ने तो वो कर दिया मेरे ख्याल से नीचे से लेकर टॉप तक लगा देंगे और नीचे गाने चलाएंगे पूरे घर वाले सुनेंगे ऐसा हो जाओ बाजा बाने वो सुना है ना जब चलाया देखो मैं बताता हूं मैंने की मैंने कह रहा लगा रखा हो सेट मारे कैसे होते उसने सर आप बैठिए बैठे होने एकदम तो एरोप्लेन आई तो बिल्कुल ऐसे की कौन के द्वारा लटक गए मगर हक कर धास तो कोई ना कोई कर सर आवाज गई फिर उन्होंने चिड़िया वाले दिखाई तो मतलब बिल्कुल जो सराउंड सिस्टम वो लगाते भी उस तरीके से यार यार भाई स्पीकर तो बहुत ज्यादा ना हो गए कह रहा 3-4-5 स्पीकर बचे तो गाड़ी में लगा देंगे गाड़ी के स्पीकर तो खराब होते रहते गाड़ी में लगा देंगे 1.5 लाख का स्पीकर वो अलग चीज है बट ठीक है भाई चलो किसका बाड़ा खड़ा भाई लेके कैसे खड़ा है अंदर बैठी थी मैंने गाड़ी लगाई यू देख रही हूँ यू क्या आ रहा है ये मेरी गाड़ी ने कुछ कुछ चलने आ रहा है जेसीबी जेसीबी क्या कर रहा है ये जेसीबी की खुदाई है दोनों सास बहू बैठ के यहाँ पे सीरियल देख रही है सास बहू और साजिश के खिलाफ ये सही बात है भाई ये सही बात है मैं यहाँ पे आया आते ही पहले एक बार लैपटॉप पे बंद कर दिया देख रहे हैं भाई ओ भाई ये क्या टाइम ज्यादा हो गया क्या अब सही आ रहा हूँ मैं भाई वहाँ पे मेरे को पता चला इसे लेके जा रहा था मैं अभी घुमान तो वहाँ मेरे को पता चला कि भाई वहाँ पे ना बाथरूम नहीं है मतलब वहाँ पे रहने वहने का सौदा ऐसा नहीं है जैसे जाने की बात आती कहीं तो फाइन हो जाती है कर पाएगा मेरे को ये तो नहीं बोलेगा वहाँ जाने के बाद सांस नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ सांस नहीं है ऑक्सीजन नहीं है भाई वहाँ अभी बताया उसने कह रहा है ऑक्सीजन नहीं है हीटर नहीं है लाइट नहीं है ना हो के रास्ते में बोले नहीं या तो बताएगी ही नहीं सुबह तक ऐसी हो जाए क्या तुम सुबह लेके भागना पड़ेगा मुझे घर या फिर होएगी नहीं है ना बता फिर क्या करना है जा बोलो देखो मेरा तो मन था मैंने कहा इसे घुमा देता हूँ वहाँ मैं कहा एटलीस्ट कुछ नहीं तो भाई ऐसा रहेगा कि हाँ यहाँ भी मैं होके आ रखी हूँ लद्दाख भी मैं होके आ रखी हूँ तो मम्मी पूरी पूरी स्किन से लेके बाल तक टिप टॉप पूरी तैयार है एक हमें वैंकर नहाते धोते नहीं है कुछ भी नहीं करते ऐसे एक से 1.5 साल हो गया है मैं शैम्पू यूज नहीं करता मैं खुद यूज नहीं करता मतलब मैं साबुन से धो लेता हूँ जब से मतलब बाल खड़े करने वाले टाइम आया ना तब से मैं बाल साबुन से धो लेता हूँ यार मैं ध्यान देने पे जाता हूँ बट मैं फिर ध्यान देने पे जाता हूँ फिर मैं सोचता हूँ यार मैं इतना ध्यान और किसी चीज पे दे दूँ काम वाम पे किसी चीज पे आई गॉट यू मेरे पे मुंह का फेशियल एक काम करो मेरे पहले ना मालिश करो चलो आओ चंपिंग करते हो यार एक तो वाइट आज मैं काला सा लग रहा हूँ आंवला मेरे से पूछ रहा रेसिपी तो मैं बता रेसिपी तो मैंने ही बताई कर दिया भाई मानी मालिश देख ले अच्छी है हमारे ऊपर तो लाइट आनी थी छुप भी आ रही है लाइट क्या